हिंदू कैलेंडर में एक महीने को 30 दिनों में बांटा गया है। इस 30 दिनों को दो दो पक्षों में बांटा गया है, जिसमें 15 दिन के एक पक्ष को शुक्ल पक्ष और बाकी बचे 15 दिन को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। चंद्रमा की कलाओं के ज्यादा और कम होने को ही शुक्ल और कृष्ण पक्ष कहते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के बीच वाले हिस्से को हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। जिस दिन पूर्णिमा तिथि होती है उसके अगले दिन से कृष्ण पक्ष की शुरुआत हो जाती है, जो अमावस्या तिथि के आने तक 15 दिनों तक रहती है। जब भी कृष्ण पक्ष होता है तो उस दौरान कोई भी शुभ कार्य करना उचित नहीं माना जाता है। इसके अलावा चंद्रमा की घटती हुई कलाएं भी होती हैं। पूर्णिमा के बाद जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है वैसे वैसे चंद्रमा घटता जाता है, यानी चंद्रमा का प्रकाश कमजोर हो जाता है। इस कारण से कृष्ण पक्ष को उतना शुभ नहीं माना जाता है। अमावस्या और पूर्णिमा के बीच वाले भाग को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। अमावस्या के बाद 15 दिन को हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। अमावस्या के अगले ही दिन से चंद्रमा का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है और अंधेरी रात चांद की रोशनी में चमकने लगती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा बहुत बड़ा और रोशनी से भरा हुआ मालूम होता है, इसलिए कोई भी शुभ काम करने के लिए इस पक्ष को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो आइए जानते हैं साल 2024 में ज्येष्ठ के महीने अर्थात जून माह में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कब से कब तक रहेगा। 24 मई 2024 दिन शुक्रवार से ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ होगा और 26 जून 2024 दिन शुक्रवार को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। 1 जून 2024 दिन शनिवार को जेठ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी। 1 जून से 6 जून की सूर्योदय तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष रहने वाला है और 6 जून 2024 की प्रातः 8 बजे से ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी, जो 21 जून 2024 दिन शुक्रवार को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के साथ ही ज्येष्ठ माह का समापन होगा। मोटे तौर पर जाने तो 24 मई से 6 जून तक ज्येष्ठ माह का कृष्ण पक्ष रहेगा और 6 जून की सुबह 8 बजे से 21 जून तक जेठ माह का शुक्ल पक्ष रहेगा। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी जानकारी लगातार मिलते रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।